26 डाउन बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस, इंजन लीड कर रहा है HGMU-30 8213। दो मिनट स्टॉप के बाद डिपार्चिंग विसल दे दिए और लांडी स्टेशन से डिपार्ट हो रही है। टेन डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस आई हुई है और इंजन लीड इसको जो कर रहा है ZCU लीड कर रहा है, क्योंकि लाइट से अंदाज़ा हो गया कि ZCU है। वेलकम अलामा इकबाल एक्सप्रेस, टेन डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस ZCU-30। गुड आइडिया मेरा ठीक था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं SP और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ट्रेवल्स एंड व्लॉग्स विद SP। तो आज तारीख है 24 जून सन 2023 और दिन है हफ्ते का। मैं आया हूं लांडी स्टेशन और आज आपको मैं लांडी स्टेशन का मुकम्मल जो है सैर कराऊंगा। तो चलते हैं, पहले प्लेटफार्म लेते हैं और फिर लांडी स्टेशन की तरफ चलते हैं। ये है लांडी स्टेशन की पार्किंग है, क्योंकि हम कायदाबाद वाली साइड से आए हैं तो ये पार्किंग है इसकी। यहाँ पे मोटरसाइकिल, रिक्शा वगैरह जो मुसाफिर जाना चाहें उतरते हैं, वो रिक्शा वगैरह लेकर और टैक्सी वगैरह लेकर जा सकते हैं। और हमने यहाँ सामने बाइक अपनी पार्क की है और मैं तो अभी जाना चाह रहा था कि प्लेटफार्म ले आऊँ, लेकिन मेरा दोस्त सीनियर बट्टी ये ले आया। हाँ भाई, प्लेटफार्म ले आया, दिखाएँ प्लेटफार्म। 20 रुपये का दिया पहले, ये क्यों? पहले ये 10 रुपये का होता था, पहले 10 रुपये का होता था, अब ये 20 रुपये का होता है। भाई हुकूमत भी थोड़ा ख्याल करे, 10 की चीज़ जो है वो 20 कर दिए प्लेटफार्म। हालांकि ये 2-3 रुपये में मिलता था कभी कभी, फिर 5 रुपये का हुआ, अब ये 10 रुपये का, फिर ये 20 रुपये का भी हो गया। तो ये इतना तो थोड़ा ख्याल कर ले कि ये 10 रुपये का रहना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं, प्लेटफार्म कितने का होना चाहिए? पहले 10 रुपये का था, अभी 10 रुपये होना चाहिए। क्यों 20 रुपये का क्यों नहीं होना चाहिए? वजह अभी वजह ये रहने वाले से आपको, हाँ ये आम लोग सफ़र करते हैं इसके ऊपर, ट्रेनों के ऊपर वो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं और ये हर बंदा जो यहाँ आता है, की हुकूमत में दम नहीं है, ये पूछताछ नहीं करती है, जिसकी जितनी मर्जी आती है वैसे बेच रहा है। रेट बाय रेट जो है ना, तुम्हारे से दूसरा है, उससे दूसरा है, उससे दूसरा है, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये बिल्कुल अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तरीका नहीं है। हुकूमत को इस बात पे सोचना चाहिए, ये 5 या 10 रुपये में होना चाहिए, 20 रुपये में नहीं होना चाहिए। तो चलें जी, चलते हैं लांडी स्टेशन की तरफ। मैं ब्रिज के रास्ते से ये ऊपर आया हूँ और ये रास्ता नीचे जाता है अभी प्लेटफार्म की तरफ। ये प्लेटफार्म नंबर 1 है और वो 2 है। तो अभी 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस का टाइम है, वो आ रही है, तो इंशाल्लाह वो एक्शन कवर करते हैं। और देखें ये आवाम का रश है, ये सारे लोग जो है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस पे जाने वाले हैं। तो इस साइड का व्यू आपको दिखा देता हूँ स्टेशन का, इस साइड का व्यू फिर कुछ इस तरह से है। चलें जी, अब प्लेटफार्म पे चलते हैं। सामने लांडी स्टेशन का बोर्ड नज़र आ रहा है और यहीं से ही जो है ना लांडी स्टेशन स्टार्ट होता है। और ये मैं इस साइड आपको दिखा दूं, ये है दाऊ चुरंगी वाला पुल और यहाँ से ट्रेन ने आना है और यहाँ पे प्लेटफार्म शुरू होता है और बहुत लंबा प्लेटफार्म है और जाकर आखिर ख़त्म होगा। और यहाँ पर जो है इधर एक थाना है और साथ यहाँ भी एक पार्किंग बनाई गई है। और मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ, ये पूरा प्लेटफार्म आपको दिखा रहा हूँ, बहुत लंबा प्लेटफार्म है, क्योंकि सूरज सर पे है और जो है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है जैसे कैमरे में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इस बाइक को भी शौक है और कह रहे हैं मेरी वीडियो बना दो। मेरा चैनल देखोगे ना आप ट्रैवल्स एंड व्लॉग्स विद SP, सब्सक्राइब करना। अपना नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहसिन। मोहसिन, नीचे अपना नाम लिख देना कमेंट में, ठीक है? गुड, बहुत शुक्रिया। आप भी बाइक को सपोर्ट करो, लाइक करो। वाह जी वाह, आपने मेरी सपोर्ट कर दी, गुड, ज़बरदस्त। मैं बिल्कुल जो है लांडी स्टेशन के कॉर्नर पे हूँ, जहाँ पे अब ट्रैक्स आती हैं। तो सामने आ रही है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस, तो बिल्कुल आ चुकी है सामने ये। और मुसाफिरों की तादाद भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ईद कुर्बान करने, ईद उल अज़हा करने जा रहे हैं, तो यहाँ मुसाफिरों का रश बहुत ज़्यादा है। तो वेलकम टू 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस।
माशाल्लाह। और बिल्कुल राइट टाइम पर आ रही है 11 अप जारा एक्सप्रेस। अठारह कोचेज लगी हुई है और प्लेटफार्म भी छोटा पड़ गया है। लोग जो है चढ़ने के लिए प्लेटफार्म से नीचे जा रहे हैं। पहले सुनते थे 15 कोचेज हैं, 16 हैं, अब 18 कोचेज कर दें। सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत कमा रही है और फिर भी रेलवे का खसारा शो करते हैं। इतने मुसाफिर होते हैं और पैसेंजर होते हैं जो सफ़र करते हैं, पता नहीं ये पैसा फिर कहाँ जाता है। ये अब देखें इनके चढ़ने के लिए कितनी परेशानी है, इन लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो रही है इनको चढ़ने के लिए। दरअसल या तो प्लेटफार्म थोड़ी हुकूमत थोड़ा लंबा कर दे, अगर कोचेज इतनी ज़्यादा कर दी हैं तो 15 कोचेज की जगह 18 कोचेज लगा दी हैं। अभी 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस को रुखसत किया है और वो अभी प्लेटफार्म से आउट ही हुई है, वो सामने जा रही है और अभी आ रही है डाउन 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। तो मैं आज आ रहा हूँ प्लेटफार्म के दूसरे कोने पर डाउन ट्रैक पर। तो ये बहुत लंबा प्लेटफार्म है, ये सामने तक जहाँ नज़र जा रही है प्लेटफार्म ही नज़र आ रहा है। आज का दूसरा एक्शन कवर हो रहा है 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस अराइव हुई है लांडी स्टेशन पर। खूबसूरत ट्रैक साउंड के साथ मैं स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ और 2 मिनट का स्टाप है यहाँ पे लांडी स्टेशन पर। ये 2 मिनट रुके लोग अपने प्यारों को लेने के लिए जो है कोचेज की तरफ लपक रहे हैं। ट्वेंटी सिक्स डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, इंजन लीड कर रहा है HGMU 30। 8213 2 मिनट स्टाफ के बाद डिपार्टिंग विसल दे दी है और लांडी स्टेशन से डिपार्ट हो रही है।
जब ट्रेन अराइव हो जाती है या डिपार्ट हो जाती है, चली जाती है स्टेशन से, तो स्टेशन की रौनक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है लांडी स्टेशन का मंजर है, बिल्कुल चंद लोग बैठे हैं। सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो लांडी स्टेशन की मेन बिल्डिंग है, और यहाँ पे थोड़ी हवा भी लग रही है और मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और कौवे की आवाज़ें भी माशाल्लाह बहुत आ रही है। चलें जी, अब दूसरे एंड पे चलते हैं, वहाँ से पाकिस्तान एक्सप्रेस और अलामा इकबाल एक्सप्रेस आ रही है, उनके एक्शन कवर करते हैं। 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस अराइव हुई है और इंजन लीड इसको जो कर रहा है ZCU लीड कर रहा है, क्योंकि लाइट से अंदाज़ा हो गया कि ZCU है। वेलकम अलामा इकबाल एक्सप्रेस, 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस। ZCU 30, गुड आइडिया, मेरा ठीक था। दो घंटे लेट आई है, ज़्यादा लेट नहीं हुई, बस सिर्फ 2 घंटे लेट है। देखते हैं कि इसकी कोचेज कितनी जो है प्लेटफॉर्म से नीचे जाती हैं कि नहीं जाती। इसके भी 3 कोचेज तकरीबन नीचे गई हैं प्लेटफॉर्म से, लांडी स्टेशन चलें जी। अलामा इकबाल एक्सप्रेस अराइव हो गई है और उसके बाद 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस अराइव होगी। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मेरे वाले साहब आ रहे हैं और ईद कुर्बान उन्होंने मेरे साथ ही कर ली है, तो इसलिए मैं लांडी स्टेशन पर उनको रिसीव करने आया हूँ। इसके बाद आएगी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस और मैं उनको पाकिस्तान एक्सप्रेस से रिसीव करूंगा। चले जी, मैं वहाँ कोने से चला हूँ बिल्कुल रिसीविंग एंड से और यहाँ अगर बैठ गया हूँ, और यहाँ पर जो है 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस कैंट की तरफ डिपार्ट हो रही है और मुसाफिर ज़्यादा उतर आए हैं और हर कोई अपने घरों की तरफ जा रहा है। अच्छी रौनक लगती है जब माशाल्लाह ट्रेन आती है। झंडी भी दिखा दी है, गिटाई 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस अराइव हो गई है और इंजन लीड कर रहा है GU40, मेरा फेवरेट इंजन, और मैंने जाना है 9 नंबर डब्बे के पास। वाले साहब को मैंने रिसीव कर लिया है और ये सामने खड़े हैं और सामान के साथ, और ट्रेन ने डिपार्चिंग विसल भी दी है और ट्रेन भी यहाँ से जा रही है, तो हम भी लांडी स्टेशन से घर जा रहे हैं। गुड बाय 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस,
और हम भी यहाँ से रक्षा वगैरह लेंगे और अपने घर की तरफ जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ट्रैवल्स एंड व्लॉग्स विद एसपी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट के कोई पैसे नहीं लगते। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।